ए मूर्ख योगी ने भागवत को नहीं पढ़ा, ना मोहन भागवत ने भागवत को पढ़ा है कि आज हिंदुस्तान के अंदर धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की एक जो गुंडा टीम है, वो ये जो भगवा वस्त्र पहन करके गुंडों ने इस देश में भगवे वस्त्र पहन, अगर इस हिंदुस्तान के अंदर जो अगर 2-500 मुसलमान अगर मर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा। स्वामी जी, किस तरीके से देख रहे हैं बहराइच की घटना को, एक झंडे को लेकर विवाद इतना बढ़ा के वहाँ पर जो है आगजनी हुई, अब जो है वहाँ पर बुलडोजर की तैयारी चल रही है। देखिए, ऐसा है, वर्तमान में जो शासक हैं, हम इस समय जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं, तो वर्तमान में जो शासक हैं वो इस गणतंत्र को चलाने के लिए उनके पास मंत्र नहीं है कि समाज को किस तरीके से चलाया जाता है। बहराइच में जो हो रहा है वो सौतेला व्यवहार हो रहा है। सौतेला व्यवहार, हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है सत्ता जो प्राप्त की जाती है वो वोट से की जाती है। सत्ता को प्राप्त करने के लिए सारे हथकंडे हो रहे हैं। अगर इस हिंदुस्तान के अंदर जो अगर 2-500 मुसलमान अगर मर जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा। सारे ये अपराध के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की एक जो गुंडा टीम है, वो ये जो भगवा वस्त्र पहन करके गुंडों ने इस देश में भगवे वस्त्र पहन रखे हैं, इन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि भगवा वस्त्र का मूल क्या है। अभी हम कल परसों टीवी में देख रहे थे कि बाबा बुलडोजर, ये जो 23 लोगों के मकानों को चिन्हित किया गया था, लेकिन वो PWD विभाग के अधिकारियों ने 23 मकानों को चिन्हित किया था, लेकिन अतिक्रमण तो वहाँ हजारों ने कर रखा है। जो बहराइच के अंदर जो अतिक्रमण जो हो रहा है वो केवल 23 लोगों ने अतिक्रमण नहीं कर रखा है, बहराइच के अंदर हजारों लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है PWD की जमीन पर। तो श्रीमान PWD के मिनिस्टर को सबके साथ कार्रवाई करना चाहिए, ना कि उन 23 लोगों के साथ कार्रवाई करना चाहिए। दंगाइयों के साथ कार्रवाई हो रही है। देखिए, दंगाइयों के साथ किसी बेजान किसी इमारत को ढा देना यह कार्रवाई नहीं है। किसी अपराधी ने किसी को मनुष्य को मार डाला तो उसके खिलाफ जो है उसको अदालत में पेश करिए, फास्ट कोर्ट बना करके जल्द से जल्द उन कातिलों को सजा दो। पर आप जो है जो गरीब लोग अपनी जीविका चलाने के लिए दुकान चला रहे हैं, आप उन गरीब लोगों को भगा रहे हैं, आप गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। सबक सिखा रहे हैं, ऐतिहासिक सबक सिखा रहे हैं। सबक नहीं है ये, वो जो कार्रवाई जो PWD का मंत्री कर रहा है वो 23 लोगों पर क्यों कर रहा है? अतिक्रमण हजारों लोगों ने बहराइच के अंदर किया है, तो PWD मंत्री को उन हजारों लोगों का अतिक्रमण करना हटाना चाहिए। तो मुसलमानों ने ब्राह्मण को गोली मारी इसलिए हो रही है कार्रवाई, साफ बात ही है। देखिए, मुसलमान ने ब्राह्मण को गोली मारी इसके पीछे के कारण पर अपन जाएं, आखिर ये विवाद क्यों हुआ? सबसे बड़ा कारण था कि आज हिंदुस्तान के अंदर धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है। जो भी भजन कीर्तन तो होते नहीं, जो डीजे जो एक प्रकार का जो नए जो लड़के हैं डीजे पर हुड़दंग होता है, ना तो उसमें भजन थे ना उसमें कीर्तन थे, उसमें कुछ ऐसा गाया जा रहा था किसी समुदाय विशेष के प्रति जो अपशब्द कहे जा रहे थे, तो उन समुदाय विशेष चाहे वो मुसलमान हो हिंदू कोई भी हो, तो उनके आत्मा को घात हुआ, इस कारण ये बवाल हुआ। फिर भी जो हो गया सो हो गया, आपको किसने अधिकार दिया कि आप दूसरे के मकान पर चढ़ कर के किसी ध्वज को आप खींच रहे हो? ये अधिकार आपको किसने दिया? इस्लामिक राष्ट्र है, हरा झंडा लगाएंगे। इस्लामिक राष्ट्र है, हरा झंडा लगाने का क्यों? ये तो क्या इस्लाम, क्या हरा झंडा इस्लाम का प्रतीक है? इस्लामिक मुस्लिम का घर था ना हरा झंडा। ए मूर्ख योगी ने भागवत को नहीं पढ़ा, ना मोहन भागवत ने भागवत को पढ़ा है। अत्रि मुनि के पावनमय नेत्र से चंद्रमा और तारा का चंद्रमा का जन्म हुआ। भागवत तो पढ़ते नहीं है। चंद्रमा और तारा के संसर्ग से जो पुत्र हुआ उसका नाम बुद्ध था। इस पर देवासुर संग्राम भी हुआ, इसके उपरांत बुद्ध को चंद्रमा को दे दिया। अब बुद्ध की पत्नी का नाम इला था।
श्रीमद भागवत के कथन अनुसार बुद्ध की पत्नी का नाम इला था। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की 8 रानियां थीं, उन 8 रानियों में से एक रानी का नाम भी इला था। क्या वो रानी इलाहाबाद की रहने वाली थी? इस मूर्ख योगी को इस बात का ज्ञान नहीं है, इस मानवी काया के अंदर इला नाम की एक नाड़ी होती है। प्रत्येक मानव शरीर के अंदर इला नाम की नाड़ी होती है। उस इला नाम की नाड़ी के द्वारा ये शरीर रूपी पुर में, ऐसा शास्त्र कहता है कि राम घट घट में है, कि मानव का शरीर राम का ही पुर है, मानव का शरीर राम का पुर है। इस राम रूपी पुर में प्रवेश करने के लिए इला नाम की जो नाड़ी है, पुर उर्वा, इला का जो पुत्र हुआ पुर उर्वा हुआ, ये भागवत कैसे ज्ञान नहीं, रामायण का ज्ञान नहीं।